Hello students, we are Dr. Sarbjit Rala. Today we will study the acidic character of the carboxylic acid. So, सबसे पहले अगर हम discussion करें acid की तो हमारे पास यहाँ पे R C double bond O H जो simple एक carboxylic acid है in general. तो acid किसे कहते हैं जो अपना proton donate करे. So, what is exactly this reaction here? अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है तो ये वाटर क्या एक्ट करेगा, बेस. तो सब्सटेंस विच डोनेटेड प्रोटोन दैट इज कॉल्ड एसिड. तो जब ये अपना प्रोटोन डोनेट कर देता है तो देयर फोर वॉट वी विल गेट हेयर, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन. ये इसने जब अपना प्रोटोन डोनेट कर दिया है तो एक्सेप्ट कौन करेगा, वाटर. तो देयर फोर वाटर जो है वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है. सो दिस इज द नाउ hydronium ion. So here this is acting as the acid और water जो है वो यहाँ पे base act कर रहा है. Now in this way, in this here hydronium ion is the acid और यहाँ पे ये act क्या करेगा, base. That is called conjugate base pair. So this is the general equation के acidic character जो है हमने simply इसमें discuss किया है. एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड जो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन करते हैं कि वो किस तरह से एक्सप्लेन करना है, सो लेट स्टार्ट हेयर. हेयर इज द आर सी डबल बॉन्ड ओ, हेयर इज ओ एंड एच. हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली ओपन स्ट्रक्चर में इस तरह से लिखते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन हेयर कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. सो ये एसिडिक करैक्टर क्यों दे शो करती है, एग्जैक्टली उसका रीजन हम बताने लगे हैं कि जब ये वाला ऑक्सीजन अगर अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दे तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कब्जा कर लेगा. तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, आर सी, हेयर इज ओ, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, आपका कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल. Now what will happen here? Oxygen अपने lone pair इधर donate कर दी तो oxygen के ऊपर कौन सा charge आया, positive. Oxygen being an electronegative element do not require the positive. तो ये यहाँ से electronegativity जो है withdraw करेगी, mean to say कि ये bond quite weak हो जाता है and that's why it break. जब ये अपनी तरफ electronegativity withdraw करेगी तो therefore what we will get here, RC. यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आया कौन सा चार्ज, नेगेटिव. और यहाँ पे ओ के ऊपर कौन सा चार्ज है, ओ जो है इसके ऊपर यहाँ पे लोन पे आ जाएंगे. और साथ में इसने क्या लूज किया, प्रोटॉन. तो सच सब्सटेंस विच लूज द प्रोटॉन इज कॉल्ड एज द एसिड. अब ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन है ये हम बता ये शो करती है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक करैक्टर शो करता है. एग्जैक्टली Why this is more acidic या acidic character की अगर discussion करें, ये जो carboxylate ion हमारे पास बन जाता है, here is the R C double bond O, यहाँ पे O इसके ऊपर कौन सा charge आ गया, negative. मैं जिससे कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये O negative मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये double bond मैंने यहाँ पे ऊपर लिख लिया. Exactly क्या है कि ये जो carboxylate ion है ये resonance stabilize है. वो कैसे, कि ये अगर अपनी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ विदड्रा कर ले तो ये वाला यहाँ पे डोनेट करेगा. तो देयर फोर वॉट वी विल गेट हेयर, दिस वन इज द पोजीशन हेयर कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड. दैट मीन टू से आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय द स्ट्रक्चर नंबर वन and this is the structure number 2. These are the two resonance stabilized. If we draw the overall structure of these two, it will be like this way, RC, here is O and here is O. और यहाँ पे ये जो negative charge है, these are the dispersed, negative charge is dispersing on these two oxygen atom. ये वाली जो दो oxygen atom है इनके ऊपर जो है वो negative charge जो है वो disperse कर रहा है. दैट मीन टू सी ये जो नेगेटिव चार्ज है एक तो इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है. सो देयरफॉर आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज शेयर्ड ऑन द टू ऑक्सीजन एटम एंड द टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है.
सो देयर फोर दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज द एसिडिक, और ये अपना एसिडिक करेक्टर शो करता है बिकॉज आफ्टर लूजिंग द प्रोटोन इट इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज. यूजली अगर हम सिंपली डिस्कशन कर लेते हैं फिनोल की, अगर इसका कंपेरिजन हम फिनोल के साथ कर लेते हैं, तो हम फिनोल का कंपेरिजन देखें कि यूजली हम फिनोल को OH लिखते हैं. अगर ये अपना प्रोटोन लॉस कर दिया है तो आफ्टर दैट इट बिकम द फिनोक्साइड आयन. तो जब ये फिनोक्साइड आयन बनाती है तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव. और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इट इज कैरीड बाय ऑन द वंस ऑक्सीजन एटम. लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन में जब हम उसका एसिडिक करेक्टर डिसिस करते हैं, दिस नेगेटिव चार्ज इज कैरीड बाय द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, बट हेयर द नेगेटिव चार्ज इज कैरीड बाय ओनली वन ऑक्सीजन एटम. सो देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू कैरी दिस नेगेटिव चार्ज बाय द सिंगल ऑक्सीजन एटम. दैट्स वाई इफ वी कंपेयर द एसिडिक करेक्टर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द फिनोल, तो वी कैन से दैट कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दैट इज द स्ट्रोंगर एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रोंगर एसिड देन दैट ऑफ द फिनोल. दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस दैट कि कार्बोक्सिलिक एसिड में द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स ऑन द टू ऑक्सीजन एटम एंड बट इन द केस ऑफ द फिनोल आफ्टर लूजिंग द प्रोटोन द नेगेटिव चार्ज इज कैरी बाय ओनली वन ऑक्सीजन एटम. सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द एसिडिक करेक्टर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. मोर ओवर यहाँ पे अगर मैं इसकी डिस्कशन करता हूँ कि ये हमें पता कैसे चल जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली कि ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है, उसके लिए हमारे पास एक स्पोर्टिंग बिहेवियर है कि अगर हम इसका एक्सरे ले लेते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली हेयर कि अगर हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे है, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये फॉर्मिक एसिड है. अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन दैट ऑफ द सिंगल बॉन्ड. तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो इसकी लेंथ जो है वो होती है 123 पिकोमीटर, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 136 पिकोमीटर. जब ये प्रोटोन लॉस कर देगा, प्रोटोन लॉस करने के बाद दिस ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज द डिस्पर्स ऑन द टू ऑक्सीजन एटम. जब टू ऑक्सीजन एटम के ऊपर, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, तब यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सिंगल है और ये वाला पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर चुका है. पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब है ना तो अब यहाँ पे डबल है ना सिंगल है. दैट मीन टू से सेम इज हेयर कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है. आफ्टर दैट जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो दोनों बॉन्ड इक्वल हो जाते हैं. दैट मीन टू से ना तो बॉन्ड लेंथ जो है 123 पिकोमीटर रहती है ना ही 136 पिकोमीटर. इट इज लाइंग बिटवीन दीज टू वैल्यू दैट इज 127 पिकोमीटर एंड हेयर इज ऑल्सो 127 पिकोमीटर. That means to say the bond length of this partially double bond character is lying between the double bond and the single bond, and which show that कि जो हमारे पास after the losing the proton, this carboxylate ion, जो formate ion is the resonance stabilized, and the bond length of this carbon oxygen partial double bond, carbon oxygen partial double bond are the equal. And we show that after losing the proton, the negative charge is dispersed on the two oxygen atom. So this is the complete discussion of the carboxylic acid and their acidic character. Thank you, student, for the watching the complete video. Please like and subscribe my channel. Thank you. Hello, students. I am Dr. Sabjit Rala. Today we will study the next lecture of the carboxylic acid, that is the effect of the substituent on acidic strength of carboxylic acid. तो student इसमें हम पढ़ेंगे like if we have here formic acid and this is acetic acid, out of these which is more acidic and why, what is the complete reason behind that. So please watch the video at the up to end and like and subscribe my channel. So let's start. Out of these, which is more acidic and why? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हम इस फॉर्मिक एसिड की ओपन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. तो हमने इसको इस तरह से लिख लेना है, एसिटिक एसिड को हमने इस तरह से लिख लेना है ओपन करके.
सो यहाँ पे स्टूडेंट अगर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे ये वाला जो मिथाइल है वो एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे दो तरह के इफेक्ट होते हैं, वन ऑफ देम इज प्लस इफेक्ट एंड अदर इज कॉल्ड माइनस इफेक्ट। तो यहाँ पे जो मिथाइल है इसके पास प्लस इफेक्ट है। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट विच हैज द प्लस इफेक्ट दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस तरफ डोनेट करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ डोनेट करता है तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ करते मूव करते जाएगी और यहाँ पे OH जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर OH के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो दैट मीन टू से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो रिलीज ऑफ द प्रोटोन इज डिफिकल्ट हियर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिटिक एसिड है उसने अपना प्रोटोन लॉस करना है, तो प्रोटोन लॉस करने में इसको डिफिकल्टी होगी बिकॉज ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूएंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस OH बॉन्ड इंक्रीज एंड देयर फोर द रिलीज ऑफ प्रोटोन इज डिफिकल्ट हेयर। बट अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड हेयर फॉर्मिक एसिड। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट विच इज डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू दिस बॉन्ड हेयर लाइक दिस वे। बट यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ही नहीं है, सो देयर फोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस OH बॉन्ड इज लेस। हेयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस OH बॉन्ड, तो देयर फोर द रिलीज ऑफ प्रोटोन इज ईजी हेयर। यहाँ पे प्रोटोन जो है वो लॉस करना इजी है। अगर ये बाय द वे मैं इसकी डिस्कशन करके बताने लगा हूँ, सो लेट सी दैट हियर इज एच, हियर इज द सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये अपना प्रोटोन लॉस करेगा तो इजीली करेगा। आउट ऑफ दिस एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, द फॉर्मिक एसिड लूज इट्स प्रोटोन वेरी इजीली, बट इन द केस ऑफ दिस इट इज डिफिकल्ट टू लूज द प्रोटोन। तो अगर ये डिफिकल्टी लूज करता है तो देयर फोर आउट ऑफ दीज टू, आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रोंगर एसिड देन दैट ऑफ दिस एसिटिक एसिड। लेट वन इज मोर डिस्कशन दैट कि अगर ये अपना प्रोटोन लॉस कर देता है, पहले तो ये करेगा, पहले तो हमने ये डिस्कशन कर ली कि ये फॉर्मिक एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है देन दैट ऑफ दिस वन। एसिडिक करेक्टर तो ये भी शो करेगा, बट वी आर कंपेयरिंग दैट के विच इज मोर एसिडिक, तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो इसने भी अपना प्रोटोन लॉस किया बट वेरी डिफिकल्टी। दूसरा रीजन ये आता है कि जब यहाँ पे ये वाला जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसे हम कहते हैं एसिडेट आयन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे चली जाएगी और आफ्टर लूजिंग द प्रोटोन तो ये वाला है रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो यहाँ पे हमने इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और इट इज लाइक दिस वे। सो इसके बाद हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे सी एच थ्री और ये सी ओ, दिस वन इज ओ, दिस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है। पहले नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, दैट मीन टू से द नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ऑन दीज टू ऑक्सीजन एटम। तो देयर फोर अगर ये नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है तो देयर फोर इट इज ईजी टू कैमोरेट। बट यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें तो ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो डोनेट करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो और भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे ये डीस्टेबलाइज हो जाता है, डीस्टेबलाइज, बिकॉज ये मिथाइल ग्रुप जो है वो एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो ये डीस्टेबल हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ द फॉर्मिक एसिड, अगर हम फॉर्मिक एसिड की डिस्कशन कर लेते हैं तो ये अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ये ऊपर चले जाते हैं। तो इन दिस केस यहाँ पे ओ के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। आफ्टर दैट हमने इसकी जो है दूसरी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, दैट इज द एच सी, हेयर इज ओ एंड यहाँ पे ओ, द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स ऑन द टू ऑक्सीजन एटम।
But in the case of formic acid, no such substituent is present. So therefore, इसमें तो ये methyl group जो है electron donating होता है, तो ये इसको destabilize कर रहा है. But here in this case, after losing the proton, it is the more stabilized than that of this acetate ion. ये stabilized नहीं है, और ये जो है वो ज़्यादा stabilized है as compared to the acetate ion. This formate ion जो है, this is the more stabilized after losing the proton because the no such substituent is present which destabilizes this anion. But here this methyl is the substituent which is electron donating and which is destabilizing this acetate ion. So out of these two, we can say that this is the complete discussion of that formic acid or acetic acid mein se kaun zyada strong acid hai. So this is reason that if formic acid after losing the proton is stabilized, but after losing the proton, this acetic acid jo hai wo destabilize ho jata hai. So this is the complete discussion of the effect of the substituent on the acidic strength of the carboxylic acid. Similarly, student, हमारे पास एक और discussion आती है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे है formic acid, और अगर हम formic acid को usually हम इस तरह से लिखते हैं कि this is formic acid. After that, अगर हम acetic acid की discussion कर लेते हैं तो उसका formula हम इस तरह से open form में लिख लेते हैं. After that is the propanoic acid. तो propanoic acid को हमने इस तरह से लिख लेना है. So it is like this way. And after that, हमने एक और acid लेना है, that is the CH3. And here is the CH3. Here is H, C double bond O, here is O and H. And the last is CH3. And this one is the CH3. This is the CH3. And here is the C double bond O, here is O and H. So this is called here the 2,2 dimethyl. It's one is the 1,2,3. It is the 2N2. It is dimethyl and propanoic acid. And ye hamare paas jo hai simple 1,2,3. This is the 2-methyl. This is the 2-methyl propanoic acid. And this is simple propanoic acid. और ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड, और ये है फॉर्मिक एसिड. नाउ आउट ऑफ दीज थ्री विच इज मोर एसिडिक एंड वाई. सो लेट इफ वी वांट टू कंपेयर द एसिडिक करेक्टर, सबसे पहले देखें यहाँ पे अगर हम लास्ट वाले की डिस्कशन कर लेते हैं, दिस इज द 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास 3 सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है विच इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. तो यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड के अंदर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 3 सब्सिट्यूएंट आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो देयर फोर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट करेंगे इस तरफ. तो मैंने ये 3 एरो शो इसलिए किए हैं कि 3 सब्सिट्यूएंट आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड. फाइनली द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस OH बॉन्ड इज कंपैरेटिवली क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड. इन दिस केस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कितने सब्सिट्यूएंट है, 2. यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे तो 3 सब्सिट्यूएंट लगे हुए थे. फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, यहाँ पे मैं 2 एरो इंडिकेट करूंगा कि ये 2 एरो आर इंडिकेटिंग दैट द 2 सब्सिट्यूएंट आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड. फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है लो होगी एज कम्पेयर टू द 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, बिकॉज इन दिस केस द 3 सब्सिट्यूएंट आर द अटैच्ड, बट यहाँ पे 2 सब्सिट्यूएंट है. अगर हम सिंपली प्रोपेनोइक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल एक ही मिथाइल ग्रुप है, ये वाला जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वीक होगी एज कम्पेयर टू द 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड. एसिटिक एसिड के अंदर तो अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी वीक होगी. सबसे ज्यादा अगर हम डिस्कशन करें तो फॉर्मिक एसिड के केस में
then no such substituent is present which donate the electronegativity to this OH bond, and therefore out of all these five different compounds, the formic acid ke andar electronegativity at the OH bond is quite weak, and therefore the release of proton is easy here. Yahan pe ye sabse zyada strong ye hoga, followed by the acetic acid, kyunki acetic acid yahan pe ek hi substituent hai जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा, तो इस केस में ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो होगा, बट एज कम्पेयर टू यहाँ पे देखें, ये तो डोनेट कर रहा है साथ में इथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन. सो देयरफॉर द रिलीज ऑफ प्रोटोन इज ईजी हेयर एज कम्पेयर टू दिस वन. और यहाँ पे देखें दो सब्सिटेंट लगे हैं, अगर दो सब्सिटेंट लगे हैं टू मिथाइल प्रोपोनोइक एसिड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट एट द ओएच बॉन्ड इज क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू दिस वन. Therefore, the release of proton is easy here than that of this one. And but in the case of 2,2-dimethylpropionic acid, the electronegativity will be the quite high, and therefore the release of proton is difficult in this case. So this is the complete comparison of the acidic character of the different carboxylic acid. So thank you, student, for watching the complete video. Please like and subscribe my channel. Thank you.